मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ शंकर पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बहुत दिन से, तिलावत जी मेरे क्लिप बनाते हैं, तिलावत जी मुझे नोटिस भेज रहे हैं और बहुत सारे बातें वो कहते हैं, तो मैं समझता था इतना दिन ये एक बुजुर्ग जब उम्र हो जाती है तो सटिया जाता है, तो मैं ये समझ के उसको माफ करते जा रहा था। परंतु हमने आज तक माननीय खासदार साहब का जब उन्होंने नाम लिया और उनको नोटिस भेजा गया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। अगर एक खासदार के समाज को लेने के जुड़ के साथ में चलता है तो वो बुरी बात है? मैं तिलावत से पूछता हूँ, ये बुरी बात है? और आज आपने शिवालाल महाराज की जयंती माननीय खासदार साहब और हम मिलके ऑल इंडिया का साथ काम किया और पूरे देश को बंजारे को एक किया खासदार साहब ने, ये काम बुरा है? ये काम बुरा है माननीय तिलावत जी? ये काम बुरा है? और स्वयं रामराव बापू हमारे धर्म गुरु, जो बंजारा समाज का धर्म गुरु कहते हैं, वो आके भोग लगाए, ये काम बुरा है? आपको बुरा लगता है? और आप कहते हो ट्रेन का इसका उसका खर्चा आपसे आके लिया था हमने या किसी से पैसा मांगा है? आप तो स्वयं खुद इधर उधर पावती फाड़ रहे हो, वैसा तो हमने नहीं किया। पर मुझे दुख इस बात की होती है मास्टर तिलावत जी, आप समाज का गुमराह कर रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो और इतना गलत काम कर रहे हो आप। जो समाज का भला चाहते हैं वो कोर्ट कचहरी कभी नहीं जाता है। जब से आपको और कोर्ट से जब निर्णय आपका निकाल दिया गया उसके बाद आपने उसको स्टे ले रहे हो, ये कोरोना है स्टे ले रहे हो। आप जरा अच्छी तरह से पढ़िए, आपको कोर्ट ने नहीं बोला आप अध्यक्ष है, आपको तो निकाला गया है, आप उसका स्टे लिया है। माननीय तिलावत जी माननीय तिलावत बोलने भी मान्य भी देना आपके लिए बरोबर नहीं दिखता है मुझे, क्योंकि आप तिलावत ही है और रहेंगे। और वैसे ही क्या बोलते हो समाज को जो गलत गुमराह करते हो, ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। अगर आपको इतने ही ये है, ये मेरे साथ नहीं हुआ है आपके साथ, आपने संगठना के लोगों को बुलाना चाहिए और बैठना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं हो रही है। आप कोर्ट में जाके स्टे लेते हो, कोर्ट में जाते हो, तो आप क्या समाज का भला कर सकते हो मुझे बताओ? समाज बड़ा है कि आप बड़ा है? आप समाज के साथ चलना चाहिए। और हमने जो 12 तारीख को लकी शाह बंजारा का जयंती किया, आपसे क्या पैसा आके मांगा था हमने? आप पैसे का हिसाब मांगने वाला कौन? आप खुद पैसा इधर उधर जमा किया उसका हिसाब दो। मेरे पास माननीय राजू नायक ने सब पेपर दिया हुआ है, आपको कोई पेपर दिया है क्या? आपने पेपर देखा हो ना, राजू नायक ने दिया है क्या आपको कोई पेपर? ये आज से बाबा आप अध्यक्ष बन गए करके कोई पेपर दिया है आपको? मुझे दिया गया है, मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास रिटर्न फाइल है, आपके पास क्या है? आपने क्या किया है? सिर्फ झूठे बोलने का, झूठा बोल के समाज को गुमराह करने का यही काम है आपका? अभी उम्र हो गया है, उम्र के हिसाब से रीजिए। और मैं समझता हूं आपने उस दिन क्या कहा, मेरा 3 साल हो गया है, हैदराबाद में 4 तारीख को आपने मीटिंग बुलाया गया और 1 घंटे के अंदर आप खुद स्वयं अध्यक्ष बन जाते हो, ये बेशर्म की बात नहीं है आपको? आपके साथ कौन से संगठन के लोग थे बताओ ना, एक या दो जन से संगठन का हो जाता है, बन जाते हो अध्यक्ष? माननीय तिलावत जी बस हो गया, बंद करो, अभी समाज का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और मैं समाज के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उनके साथ जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं, आप भी ऐसे गुनाहगारी मत करो, क्योंकि समाज कभी माफ नहीं करता है। और समाज तो माफ करेगा ही करेगा नहीं, मगर ऊपर वाला भी का दंडा जो बहुत खतरनाक गिरता है, जब एक ऊपर वाले का दंडा गिरता है तो तिलावत जी
बहुत खतरनाक गिरता है ऊपर वाले का डंडा। भगवान कभी माफ नहीं करता है किसको, सच्चाई के साथ भगवान रहेगा। आप झूठे हो और झूठे फैलाओ मत। और मेरी ये विनंती है आपसे, अगर आपको कुछ बोलना है आमने सामने आओ, बैठो मेरे साथ बात करो, मैं इसको मान्य करता हूँ। मगर कोर्ट जाना, कचहरी जाना, इसको नोटिस भेजना, उसको निकालना, इसको निकालना, ये आपको शोभा देता है? आप आओ ना, एक कान लोग को बुलाओ बॉडी को और पूछो, पहला जाके स्टे निकालो, कोर्ट कचहरी भागते रहते हो, ये समाज के लिए अच्छा है? आप कहते हो मैं समाज का ये हूं, क्या बोलते हैं, हितैषी हूं, काय का हितैषी तू, समाज का लॉस कर रहा है आप। मुझे दुख लगती है, इतने नीचे गिरेंगे मुझे मालूम नहीं था आप इतने घटिया हो। मुझे दुख होता है, ऐसा बोलना तो मुझे नहीं चाहिए पर मैं क्या करूं, दुख लगता है मेरे को। और आपको अगर ऐसा है, माननीय खासदार का जो नोटिस भेजा है आपने, उसको ताबड़तोब 2 दिन के अंदर माफी मांगना चाहिए आप। जो समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, आज ऑल इंडिया का नाम माननीय खासदार साहब ने जो अच्छा ऊपर तक पहुंचाया है, दिल्ली तक, ये आपने किया है क्या कभी? हैं, वो बेचारा कर रहे हैं, उसको करने नहीं दे रहे हो और उनको गुनेगा, उनको आप ये बोल रहे हो, नोटिस भेज रहे हो। संसद में बंजारा समाज का मान्यता मांगा, वो गलत है? पीएम मोदी को जाके मिलके आया, वो गलत है? तुम गए थे क्या? हैं, मैं भगवान से बोलता हूं, आप जैसे आदमी अगर समाज में अगर आ जाए तो समाज का सत्यानाश हो जाता है। मुझे दुख लगती है तुम्हारा नाम लेने को भी। और मैं समाज के लोग उसके साथ जो भी जुड़े हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप पहचानो, आप लोग पहचानो। और आज तक ऐसा ही करते आए, मैं 30 साल से इनको जानता हूं, 30-35 साल से जानता हूं मैं, ये ऐसे ही यहां का वहां, यहां का वहां, झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा। अरे आपको बात करना है तो आ जाओ, बैठो हमारे साथ, एक को हम लोग को बुलाओ, मीटिंग बुलाओ। हमने नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं दिया, हमने ये भेजा शंकर पवार को, ये चोर वो बेकार, और तू क्या साहूकार है? तू क्या साहूकार है? चोर है, सब कुछ चोर है, और तू एक ही बड़ा ईमानदार आदमी है। नहीं, मुझे नोटिस भेजा, मैं क्यों जवाब दू तेरे को? तू कौन है मेरे को नोटिस का जवाब पूछने वाला? मैं तेरे को क्यों दू? मुझे संगठन ने बनाया है, मेरे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास प्रूफ है तो भेजो और संगठन के सामने बैठो। ये बोलते हुए 2 शब्द मैं संभालता हूं, हाथ जोड़ के विनंती है, ये सब बंद करो। अगर आप अगर कुछ भी, आपको अगर थोड़ा दिल में, अगर आत्मा में किधर भी थोड़ा सा जगह हो सेवा करने की, तो आप आके हमारे साथ जुड़ के बात करो और संगठन के साथ बैठ के बात करो। ये बोलते हुए 2 शब्द संभालता हूं, जय सेवालाल, जय सेवालाल।